क्या हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद कम हुआ है 5 सालों के अंदर या इसके पहले जो हालत? जी मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा, पहले 26/11 की घटना होती थी, पहले पार्लियामेंट की घटना होती थी, पहले हिंदुस्तान में जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, पहले हमारे जवानों पे रोज पत्थर फेंके जाते थे, हमारों के जवानों के सिर काट देते थे, आज एक गोली चलती है नरेंद्र मोदी 100 गोली का जवाब देते हैं, आज 370 धारा हट चुकी है, आज टेररिज्म पे कंट्रोल आ चुका है, ये हिंदुस्तान के पिछले 5 साल में हालात है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना CPM ना CPI, हिंदुस्तान प्रथम राष्ट्र, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, प्रधानमंत्री ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, ना मुशर्रफ है ना बेनजीर भुट्टो है, प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के लिए हैं, जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने 370 धारा का किया, हर व्यक्ति को उनकी शलांगा करनी चाहिए। अगर मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, अगर मैं कांग्रेसी होकर बात करूंगा तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, अगर हिंदुस्तानी होकर बोलूंगा तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के लिए कर दिया है, 26 जनवरी आपने देखी, क्या 26 जनवरी कभी आपने ऐसी देखी? हमारी 26 जनवरी का जो समागम हुआ, तोपे हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, हर चीज़ नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बता दी कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है, चाइना को बता दिया, श्रीलंका को बता दिया, बांग्लादेश को बता दिया, पाकिस्तान को बता दिया, लड़ने की जरूरत नहीं, आज का ये हिंदुस्तान है, एक चलेगी सालों 100 चलाएंगे, बस हम जंग नहीं चाहते, पर हमारे हिंदुस्तान की तरफ को देखेगा वो 26 जनवरी का माहौल प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। ओके सर।